नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। इन दिनों व्हाट्सएप ने अपने उपभोक्ताओं को एक संदेश भेजना शुरू किया है। संदेश यह है कि यूजर्स उसकी निजता संबंधी नीतियों को मंजूर करें, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 8 फरवरी 2021 के बाद वे व्हाट्सएप की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। बुधवार तक गूगल प्ले स्टोर में भारत में सिग्नल मुफ्त ऐप डाउनलोड के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया, जबकि बुधवार सुबह तक वह तीसरे नंबर पर था और उसके दो दिन पहले 34वें नंबर पर था। यह ऐप प्ले स्टोर पर मई 2010 में आया था, लेकिन 10 साल बाद यह इसलिए पसंदीदा बन गया क्योंकि यह निजता के मामले में सभी संदेश प्रदाता ऐप के मुकाबले कहीं अधिक उपयुक्त है। यह किसी व्यवसायिक कंपनी का ऐप न होकर एक फाउंडेशन का ऐप है जो लोगों की आर्थिक मदद से चलता है। एप्पल स्टोर पर सिग्नल ऐप दो दिन पहले ही शीर्ष स्थान पर पहुंच गया था। दरअसल व्हाट्सएप की ओर से अपनी निजता संबंधी नीति में बदलाव के बाद उपभोक्ताओं के बीच सिग्नल ऐप के प्रति रुझान बढ़ा है। सूचना प्रौद्योगिकी के जानकारों का भी मानना है कि व्हाट्सएप के मुकाबले सिग्नल की निजी संबंधी नीति बेहतर है। इसके अलावा प्ले स्टोर पर ट्रेंडिंग में सिग्नल कुछ दिनों पहले से ही पहले स्थान पर बना हुआ है। देश के जाने माने सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ पवन दुग्गल के अनुसार व्हाट्सएप अपनी निजता नीति में संशोधन कर रहा है जो 8 फरवरी तक लागू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले तो व्हाट्सएप आपकी जानकारी फेसबुक और उसकी अन्य कंपनियों को ही साझा करता था, लेकिन नई नीति कहती है कि आपकी संवेदनशील जानकारी साझेदार कंपनियों और अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ भी साझा की जाएगी। इसमें आपके लेन देन, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड नंबर, आईपी एड्रेस आदि शामिल हैं। इससे सीधे सीधे आपके निजता के अधिकार का हनन होगा। दुग्गल ने कहा कि नई नीति में आपके डेटा की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई है। इससे आपकी जानकारी के दुरुपयोग संभव है। दुग्गल ने साफ कहा है कि प्लेटफॉर्म हमें नीति को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं दे रहा है, तो ऐसे में उस प्लेटफॉर्म को छोड़ने में ही भलाई है। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप के मुकाबले सिग्नल ज्यादा सुरक्षित है और आपकी निजता का पूरा ख्याल रखता है। वहीं एक अन्य मशहूर आईटी विशेषज्ञ विकास पांडे ने बताया कि व्हाट्सएप को लेकर लोग जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि सिग्नल वो सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाएगा जो व्हाट्सएप दे रहा है। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर फेसबुक के बढ़ते एकाधिकार को भी खतरनाक बताया। आइए आपको बताते हैं सिग्नल ऐप के बारे में। दरअसल सिग्नल मोबाइल ऐप अमेरिका की नॉन प्रॉफिट संस्था सिग्नल फाउंडेशन और सिग्नल मैसेंजर की ओर से 25 मई 2010 को पहली बार प्ले स्टोर पर जारी किया गया था। सिग्नल फाउंडेशन की वेबसाइट के मुताबिक उनका ऐप संदेशों को पूरी तरह से कूट भाषा में भेजता है। यह पूरी तरह से मुफ्त है और उपभोक्ताओं को कोई विज्ञापन भी नहीं दिखाया जाता है। बताते चले कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी लागू होने की बात से इसके यूजर्स काफी परेशान चल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि व्हाट्सएप के इस बदलाव के बाद लोगों की प्राइवेसी प्रभावित हो सकती है। हालांकि व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि दो लोगों के बीच की चैट की प्राइवेसी प्रभावित नहीं होगी और यह सिर्फ उन्हीं दो लोगों तक सीमित रहेगी जिनके बीच बातचीत हुई है। चैट्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप जिसे भी मैसेज भेजेंगे वह आपके और उसी के बीच में रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।